तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त वापस संसद भवन में प्रवेश करते हुए, यहाँ तमाम सांसद अभी भी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर संसद भवन में पहली बार ये लोग पहुंचे हुए हैं प्रदीप सिंह जी, तो इनके लिए भी कौतूहल है कि संसद में आखिर संसद भवन के निर्माण में किस किस तरह की वस्तुओं का, कलाकृतियों का इस्तेमाल हुआ है। हमने देखा कि पूरी एक पट्टिका है जिसमें समुद्र मंथन की पूरी कथा भी उकेरी गई है। बिल्कुल, वो जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि ये एक तरह से सामंजस्य है जो हमारा जो सनातन संस्कृति है, तो संस्कृति और आधुनिकता दोनों का मिलन है, ये उसका प्रतीक है। और उन्होंने कहा कि नए रास्तों पर चल कर ही नए प्रतिमान गढ़े जा सकते हैं, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव होना है, बदलाव होना है तो बदलाव बेहतरी के लिए, आम लोगों के भले के लिए, देशवासियों के भले के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा इस नए संसद भवन से कानून बनेंगे जो लोगों की भलाई के लिए होंगे, देश के विकास के लिए होंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है जोड़ने की कोशिश की है आधुनिकता को और परंपरा को, विरासत को और जो मॉडर्निटी है, जो जो टेक्नोलॉजी है उसको जोड़ने की कोशिश की है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी संस्कृति और विरासत को छोड़कर नहीं बढ़ रहे हैं, उसको साथ लेकर, और आधुनिकता को भी हम छोड़ना नहीं चाहते, तो दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला संबोधन हुआ, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं आपको। एक भवन नहीं है ये, 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।